विचारों की प्रचंड शक्ति। जो मनुष्य जैसा विचार करता है वो ठीक वैसा ही बन जाता है। जिन जिन वस्तुओं का विचार तथा चिंतन किया जाएगा वे वस्तुएं निश्चित रूप से हमारे समीप चली आएंगी। अतः जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं सदा उसी का विचार करें। इन्हें विचारों में निर्मलता लाने के लिए दो महान गुणों की प्रशंसा हमारे शास्त्रों में भरी पड़ी है। वे हैं दया तथा क्षमा। दया के विचारों से निर्मलता आती है तथा क्षमा से निर्मलता को स्थिरता प्राप्त होती है। बिना दया तथा क्षमा का भाव रखे किसी को कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। सद्विचार तथा सद्भाव ही हमारी संपत्ति हैं। जिस दिन तुम्हें विचारों की शक्ति का ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा उसी दिन अनेक शंकाएं तथा समस्याएं स्वतः हल हो जाएंगी। अच्छे कार्य करने से भी अच्छे विचारों की संस्कारवर्धक शक्ति अधिक तीव्र होती है। जैसी बातें मनुष्य विचारेगा कुछ समय के पश्चात वो स्वयं देखेगा कि उसके विचारों के अनुकूल ही उसका वातावरण बनता जा रहा है। जिन जिन परिस्थितियों और वस्तुओं का उसने चिंतन किया है वे उसके अधिकाधिक समीप आ पहुंचती हैं। मनुष्य अपने विचारों से ही उच्च तथा निम्न बनता है। विचार ही कार्य की प्रेरक शक्ति है। विचार तथा कर्म का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। अखंड ज्योति फरवरी 1955 पृष्ठ 15-16। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।